नैनीताल जिले से 23 किलोमीटर दूर स्थित मटियाली गांव में सालों साल गुजर गए, लेकिन अभी तक यहां पक्के रास्ते नहीं बन सके हैं। यहां रहने वाले 7 परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विभागों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। 20 साल पहले इस गांव के जाने वाले रास्ते पर एक पुलिया का निर्माण किया गया था, जिसकी हालत अब जर्जर हो चुकी है और वह कभी भी गिर सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार पक्के रास्ते व पुलिया के निर्माण के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव भेजे, लेकिन उसकी सुध नहीं ली गई। शायद गांव में लाभान्वित परिवारों की संख्या कम है, इसलिए सरकार इनकी मांगों को अनसुना करने पर लगी है। ऐसे में पहाड़ से पलायन का मुद्दा कैसे खत्म होगा, ये देखना एक बड़ी चुनौती है। हम लोग काफ़ी टाइम से रास्ते और पुल के लिए दिक्कत में आ रहे हैं, क्योंकि इसकी दीवारें जो हैं पुल की अधिक बहाव से बह चुकी हैं। काफ़ी मात्रा में हमने ग्राम सभा में और विभाग को, PWD विभाग को काफ़ी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सुनने वाला नहीं है। और बोट के टाइम में तो हर कोई आता है जाता है, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद फिर तक कोई देखने के लिए नहीं आता है। रास्ता बिल्कुल बेकार हो चुका है, और इस समय में मंडी जाने के लिए आम, केला और अपना कच्चा फल जो होता है उसको ले जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। और जिसमें रास्ता भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त है आने जाने के लिए। काफ़ी हमने इसमें ट्रैक्टर मार्ग के लिए प्रस्ताव दिए काफ़ी, और पुल के जो पुल समस्या दिखाने को ही आया। हाँ, कोई एक बार चार पाँच साल पहले एक विभाग वाले आए थे PWD के, तो उसके बाद कोई नहीं आया, देख के चले गए थे। तो बता रहे थे कि अब बनेगा, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, अभी वो भी नहीं आए लौट के। हमारे यहाँ पर रास्ते और ये एक पुल बना था यहाँ पर आज से 20 साल पहले, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। 20 साल के बाद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और रास्ते की बहुत समस्या है, इससे ग्रामीण यहाँ पर बहुत परेशान है।